क्या आप अपने फेसियल हेयर यानी कि अनचाहे बालों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो आज हम एक ऐसा होममेड रेमेडी लेकर आए हैं। अगर उसको अप्लाई कर लेते हो ना जहाँ भी अनवांटेड हेयर है तो उसको जड़ से रिमूव करेगा, वो भी परमानेंटली, दोबारा वापस नहीं आएगा। इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना और किस तरीके से अप्लाई करना है मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बीच में बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। इस रेमेडी को अप्लाई कर लेते हो ना आपके जितने भी हेयर ग्रोथ है, अनचाहे बाल है, उसको जड़ से रिमूव करेगा, दोबारा वापस नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस तरीके का एक बॉल लेना है रेमेडी बनाने के लिए। इसमें हम आधा चम्मच इनो डालेंगे, ये अनचाहे बालों को जड़ से रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, साथ ही स्किन पे गंदगी मैल जमी है तो उसको रिमूव करता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे हमें आधा चम्मच इनो इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसमें कोलगेट, ये स्किन पे जितने भी गंदगी मैल जमी होती है इसको रिमूव करता है, बालों को, जड़ों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बनाता है। अगर बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएगा तो बाल टूट के आसानी से झड़ने लगेगा, बालों को जड़ से रिमूव करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमें इतना सा कोलगेट ले लेना है, इसको हमें एक स्पून से पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से अच्छे से कोलगेट को और इनो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। मेरे बताए गए अगर इस रेमेडी को अपने अनवांटेड हेयर पे अप्लाई कर लेते हो ना, जितने भी अनवांटेड हेयर उसको जड़ से रिमूव करेगा। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे आधा चम्मच नींबू का रस, नींबू के रस में विटामिन सी पाया जाता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाता है, साथ ही स्किन पे गंदगी मैल जमी हो तो इसको रिमूव करता है, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, ब्राइट बनाता है और बहुत ही ज़्यादा फेयर बनाता है स्किन को। इस तरीके से स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अप्लाई करने से स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो इसमें 3 से 4 ड्रॉप कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर देना है, सिर्फ 3 से 4 ही ड्रॉप इसमें ऐड करना है, बिल्कुल इतना अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, स्किन ड्राई हो चुका है तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाने का काम करता है, साथ ही स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाता है, स्किन पे अगर दाग धब्बे के निशान होता है तो उसको भी लाइटन अप करने में हेल्प करता है। इस तरीके से अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेना है। ये एक मैजिकल होममेड रेमेडी है, जितने भी अनचाहे बाल हैं, फेशियल हेयर है, उसको जड़ से रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, वो भी परमानेंटली, दोबारा वापस नहीं आएगा। तो ये रेमेडी बनके तैयार हो चुका है, तो चलिए फटाफट से इसे अप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं अपने पैर पर इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, मेरे पैर पर बहुत ही कम हेयर ग्रोथ है क्योंकि मैं इस रेमेडी को बराबर अप्लाई करती रहती हूँ, इसीलिए मेरे पैर भी बहुत ही कम बाल है। जितने भी है मैं आप सबको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी रिमूव करके आप सबके सामने। इसे एक स्पून से मैं यहाँ पे इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो अगर आपके पास ब्रश है तो उससे भी इसे अप्लाई कर सकते हो, या तो आप फिंगर से इसको अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से इसको अप्लाई करना है, बिल्कुल मोटे लेयर में इसको अप्लाई करना है, बिल्कुल इस तरीके से स्पून से। वैक्स करवाते हो, थ्रेडिंग करवाते हो, उससे भी और भी ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लगता है। अगर ज़्यादा हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो गई तो इस रेमेडी को अप्लाई करें, जितने भी हेयर ग्रोथ है उसको रिमूव करेगा, वो भी परमानेंटली, दोबारा वापस नहीं आएगा, हेयर ग्रोथ को स्टॉप करेगा। इस तरीके से अप्लाई करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से ड्राई होने देना है। इसके बाद एक टिश्यू पेपर से इसको इस तरीके से बिल्कुल रिमूव करना है। यहाँ पे इस तरीके से टिश्यू पेपर से मैं रिमूव करके आप सबको दिखा रही हूँ, जितने भी बाल थे मेरे ये रिमूव हो चुका है, देख सकते हो आप सबके सामने मैं इसे दिखा रही हूँ। बहुत ही कम बाल थे लेकिन ध्यान से देखें तो आप जितने भी बाल थे वो रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं। इसे अच्छे से इस तरीके से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद इसे नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेना है, या तो गीले टॉवल से इस तरीके से पोंछ लेना है। इसको साफ़ करने के बाद इस पर कोई भी बॉडी लोशन इस पर अप्लाई कर लेना है।
अगर आप चाहते हैं अपने अनवांटेड हेयर से, फेशियल हेयर से परमानेंटली छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करें। वैक्स और थ्रेडिंग करवा के स्किन वहाँ की काली हो गई तो उसे भी ब्राइट करेगा। आपकी जहाँ भी अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, फेस पे है, अपर लिप्स पे है, हाथ पे, पैर पे, जहाँ पे भी है, इस रेमेडी को आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही आसानी से हेयर्स को रिमूव करेगा, वो भी परमानेंटली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू।